आज रिएक्शन में देखेंगे कमी नी बहुरवी। आई थिंक ये कमी अलग है और नी अलग है, जो हिंदी में इसका मतलब थोड़ा अलग होता है। कोक ब्रोक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो 2021 विको एंड तनुश्री, ये वीडियो का टाइटल है और ये वीडियो हपिंग क्रिएशन चैनल का है, संजय देव वर्मा का। मैं आपका दोस्त संजय, नमस्कार खुलुमका स्वीकार करे आने मुंग संजय थे इंडियन रिएक्शन उनारोग जो तो नो लाम सगो। वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में है, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके ओरिजिनल वीडियो का और हपिंग क्रिएशन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ओरिजिनल वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। बन्नो रे बागा मजूला जुलिया मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वाह बेटा मैंने लड्डू पीता ताहा छोरे नीनियो पहली बैलिक ताई नीनियो या प्रेशम होताई बसां को लेन बसानी कमीनी बरे भाई ने इतना ब्यूटीफुल गाया इस सॉन्ग को। विलेज गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुल होती है, गांव में जाके रहना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स ये था सॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग था। क्या ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स यूज़ किए हैं इसमें, देख के मज़ा आ जाता है। दोनों के कॉस्ट्यूम्स और ख़ासकर मैम के कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, और कॉस्ट्यूम्स में मैम अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही। जैसे उनकी एंट्री है, देखते ही मन एकदम खुश हो जाता है उनको, और भाई के एक्सप्रेशन भी वैसे ही थे। पर म्यूज़िक की बात करते हैं, कमाल का म्यूज़िक है इस सॉन्ग का, और हेडफोन पे तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था सुन के, दिल खुश हो गया। और इसमें मिलन भाई और मैम ने इतने ब्यूटीफुली गाया है, मिलन भाई की आवाज़ कमाल की थी और मैम ने भी उतना ही ज़बरदस्त उनका साथ दिया है। मुझे दोनों की आवाज़ म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद आए, साथ में लिरिक्स संजीत भाई और मिलन भाई दोनों ने मिलके बनाए हैं, इस सॉन्ग को लिखा है, कमाल के लिरिक्स थे। मुझे नहीं पता था कि गांव की लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल होती है, मुझे लग रहा है तिरुपुरा में आके गांव में रहना चाहिए। कमाल के मैम सच में ब्यूटीफुल है बेटा, मन में लड्डू फूटा। फीमेल एक्टर के बारे में मेरी संजीत भाई से बात हुई थी, उस वक्त संजीत भाई को मैंने पूछा था कि आप किसको ले रहे हैं न्यू सॉन्ग में, तो उन्होंने तनुश्री मैम का नाम मुझे बताया था। मैंने एक्चुअली उससे पहले मैंने उनको कहा था कि आप कोई सीनियर फीमेल एक्टर को इस बार लिए लेके आइए, पर उन्होंने कहा कि आप जब देखेंगे इनको तो आप भी शॉक हो जाएंगे, जैसे मेल एक्टर के विको भाई के फेस के एक्सप्रेशंस थे मैम को देखते हुए, सेम मेरे भी वैसे ही थे। पर सच में संजीत भाई बहुत ही कमाल के फीमेल एक्टर हैं, और आप उनको सबके सामने लेके आए, थैंक यू सो मच। और उनके एक्सप्रेशंस देख के मैम के दिल खुश हो गया है, उनके एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा कमाल की है और बहुत ब्यूटीफुल है मैम। बड़े हरामी हो बेटा। विकू भाई की बात करें तो उनके बहुत ही अच्छे एक्टर है, उनके कई सॉन्ग मैंने पहले भी देखे हुए हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज, उनका डांस कमाल का था, और उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी निभाया है। मुझे बहुत पसंद आया उनकी एक्टिंग भी। इस सॉन्ग में लोकेशंस का भी बहुत ही कमाल का यूज़ किया है, जैसे कंसेप्ट है वो भी बहुत अमेजिंग कंसेप्ट रहा। मुझे इस सॉन्ग की हर वो चीज़ बहुत ही बारीकी से की गई है ऐसा लगा। जैसे आप कॉस्ट्यूम भी देख लीजिए, मैंने पहले कॉस्ट्यूम की तारीफ तो की है, और डायरेक्शन की बात करें तो मिलन भाई ने इस सॉन्ग का डायरेक्शन किया है, अमेजिंग रहा मिलन भाई आपका डायरेक्शन, आपके लिरिक्स, आपका गाना, इतने ब्यूटीफुल आवाज़ है आपकी, इतनी स्वीट, कमाल का टैलेंटेड बंदा है मिलन भाई, मुझे बहुत पसंद आया। संजीत भाई सब कुछ उनके हिसाब से ही करने देते हैं, ये भी बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है कि संजीत भाई मिलन भाई को हर वो चीज़ करने देते हैं, और इसी वजह से इतने ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट भी बनते हैं कि मिलन भाई अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के सब कुछ करते हैं। यहाँ पे कैमरामैन की बात करें तो उनका काम भी बखूबी उन्होंने निभाया, इतने ब्यूटीफुल कैमरा एंगल्स थे, इस सॉन्ग के कुछ ऐसी झलकियाँ थी जैसे वो दोनों स्टैचू के पास बैठते हैं, मैम की एंट्री हो, या फिर वो मैम चलती है और उस वक्त के कुछ इतने ब्यूटीफुल कैमरा एंगल्स लिए हुए और अमेजिंग पल लगते हैं इस सॉन्ग में। बात करते हैं एडिटर की तो उनका काम भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हर किसी ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया है। मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।